Come on, dear students of class 10. I'm going to start your class of civics. This is of chapter 2 and topic is what makes India a federal country. In previous session we discussed you that what is federalism and how federalism decentralizes the powers of the state or country. In that session we tried to clear a fact that what are those features or factors which makes a country federal. On the basis of those factors, today we will try to understand the Indian Union of state and decentralization of power in our country India. आज के इस सेशन में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारत को जो हम एक फेडरल कंट्री कहते हैं वो किस बेसिस पे. तो पिछले सेशन में हम लोगों ने ये वो सेवन वो फीचर्स देखा था कि सेवन फीचर्स होने चाहिए तभी हम किसी कंट्री को फेडरल कंट्री कह सकते हैं. इन प्रेजेंट सेशन वी विल ट्राई टू रिकॉग्नाइज ऑल दोज फैक्टर्स इन कंटेक्स्ट ऑफ आवर कंट्री. आइए हम इसमें सारे फैक्टर्स को समझने का प्रयास करें. सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं भी कोई भी कंट्री फेडरल होगा या यूनिटरी होगा ये निर्भर करता है उसके हिस्टोरिकल फैक्ट पे, उसके सोशल स्ट्रक्चर पे, उसके लोगों के रिलीजन कस्टम वगैरह. ये सारे फैक्टर्स हैं जो इस बात को डिसाइड करते हैं कि वो कंट्री फेडरल होगा या यूनिटरी होगा. भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो एक तो हमें खूनी संघर्ष के बाद ये आज़ादी मिली थी और आज़ादी के जस्ट बाद, आज़ादी के टाइम में ही कहिए कि हमारा देश दो वर्गों, दो भागों में बट गया. ये एक और भी चैलेंजिंग पोजीशन था. इस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे में लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोगों का इधर से उधर पलायन हुआ. एक बहुत ही अजीब सी स्थिति बन गई थी. एक ऐसे हालात क्रिएट हो गए थे जिसके बारे में आपको वर्णन करना बहुत ही मुश्किल काम है. उस चीज़ को अगर आप समझ पाएंगे तो ये बात आपके जहन में आएगा कि किन परिस्थितियों में हमारे नेताओं ने अपनी आज़ादी को प्राप्त किया और देश को एक यूनियन टेरिटरी के रूप में, सॉरी, एक स्टेट ऑफ यूनियंस के रूप में बनाने में सक्षम हुए. तो वैसे हालात में संविधान का निर्माण हुआ और जो पावर था उसको डिसेंट्रलाइज किया गया. तो ये सारी परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ थी, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी भारत ने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसको अभी भी संपूर्ण दुनिया के देश देखते हैं और वो देख करके इस बात के लिए भौचक्के रह जाते हैं कि भारत जैसे डाइवर्सिटीज वाले कंट्री में जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग रीजनल वो पहचान है लोगों का, तो इस तरह का जो डाइवर्सिटीज़ है और उसमें यूनिटी का निर्माण करना एक चैलेंजिंग पोजीशन था और इस चैलेंज को भारतीयों ने साहस स्वीकार किया और इस पर सफलता प्राप्त किया. तो ऐसे हालात में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, लेकिन इन हालात के बावजूद भी भारतीयों ने एक सफल कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिस पर चल के हम अभी तक आपको जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है उसको अपना रहे हैं और सफलतापूर्वक भारत का डेमोक्रेसी दुनिया के एक सफलतम डेमोक्रेसी में आता है. ये हमारे संविधान की ही विशेषता है जिसके कारण हम इतना इस मुद्दे पर सफल हो पाए हैं. आइए हम कुछ पॉइंट्स डील करते हैं. यहाँ
सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक फर्स्ट पॉइंट दैट टू टायर गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ आवर कंट्री दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी इन अ फेडरल कंट्री. फेडरल कंट्री में टू टायर सिस्टम कम से कम होना ही चाहिए और भी अपने यहाँ इसमें बाद में आपको बतलाएंगे कि थ्री टायर सिस्टम है अपने यहाँ जो बाद में ऐड किया गया है. तो टू टायर सिस्टम अपने यहाँ बनाया गया जो फेडरल कंट्री की सबसे बड़ी विशेषता है. टू टायर सिस्टम का मतलब हुआ कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होना और एक स्टेट गवर्नमेंट का होना. सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को अलग से डिफाइन कर देना और स्टेट पावर के पावर को स्टेट गवर्नमेंट के पावर को अलग से डिफाइन करना. सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं उसमें स्टेट का कोई दखलंदाजी नहीं होगा और स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर्स दिए गए हैं संविधान के तहत उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई दखलंदाजी नहीं होगा. वो सेपरेट पावर है और भारत में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है. सफलतापूर्वक इसको अपनाया गया है. इसके लिए हम लोगों ने पावर्स का एक लिस्ट बनाया है संविधान में. संविधान प्रोवाइडेड अस ए थ्री टाइप ऑफ लिस्ट विच gives a clear division of power among central government, state government. What is this list? First of all, you try to understand this. There are three what list in our constitutions which separates power for central government and state governments. These lists are union list. Union list में जो हमारा मूल संविधान था उसमें nearly 97 subjects रखे गए थे. हालांकि अब तो बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं और इस सब्जेक्ट्स की संख्या बढ़ गई है. तो यूनियन लिस्ट में 97 ऐसे सब्जेक्ट रखे गए थे जो पूरी देश की अखंडता और एकता के लिए इम्पॉर्टेंट था. इस सब्जेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत रखा गया. सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया कि यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उस पर कानून और उसका क्रियान्वयन दोनों ही दैट मीन्स कि लॉ का फॉर्मेशन और उसको फिर लागू करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होगा. तो यूनियन लिस्ट में जैसे देख लीजिए डिफेंस है ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है. फॉरेन अफेयर है यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है. बैंकिंग है कम्युनिकेशन है करेंसी है. तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं जिस पर देश की एकता रुकी हुई है टिकी हुई है इसको यूनियन लिस्ट में रखा गया. दूसरा लिस्ट हुआ स्टेट लिस्ट. तो स्टेट लिस्ट में जो मूल संविधान था इसमें नियरली 66 सब्जेक्ट रखे गए थे. बाद में इसकी भी संख्या बढ़ी है अमेंडमेंट के द्वारा. तो स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट रखे गए जो रीजनल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक था या रीजन के को स्थिर रखने के लिए आवश्यक था. तो ऐसे सब्जेक्ट पर स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार दिए गए. इस स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट आते हैं उस पर केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है और उसके अधिकार क्षेत्र में ये रखा गया है. इसमें आप जैसे देख लीजिए पुलिस है ट्रेड एंड कॉमर्स है एग्रीकल्चर है. तो ये सारे सब्जेक्ट आपको स्टेट लिस्ट में रखे गए. अब आइए एक तीसरे लिस्ट की चर्चा करते हैं. कुछ ऐसे सब्जेक्ट को देखा गया कुछ ऐसा सब्जेक्ट था जो स्टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट था और यूनियन के सशक्तिकरण के लिए या उसकी एकता अखंडता के लिए भी आवश्यक था. तो ऐसे सब्जेक्ट को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया. कंकरेंट लिस्ट में उस तरह के सब्जेक्ट आए जो रीजनल डेवलपमेंट के लिए भी समान रूप से इम्पॉर्टेंट है लेकिन आपको जो स्टेट ऑफ फेडरेशन था उसके यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए भी समान रूप से इम्पॉर्टेंट था. तो इस पर ये कानून बनाया गया या संविधान के तहत इस तरह की बात कही गई कि इस पर जो कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट होंगे उस पर कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी लेकिन उसका गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा. अगर कोई कानून कंकरेंट लिस्ट पर बनता है और उस पर स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये कानून सही नहीं है देश के अखंडता और एकता के लिए
तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर प्रश्न उठा सकती है और उसको स्टेट गवर्नमेंट को बदलना होगा। दैट मीन्स कि निर्णायक निर्णय आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इस पर कानून बनाती है। इस लिस्ट में आपको एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, मैरिज है, एडॉप्शन एंड सक्सेशन है, ये सारे सब्जेक्ट आपको कंकरेंट लिस्ट में रखे गए हैं। ओके, इससे आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।